नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद ओवैस और आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज। एसएसबी चंपावत के कमांडेंट प्रमोद देवरानी के दिशा निर्देश पर एसएसबी वाहिनी परिसर चंपावत में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित कर भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया गया। वाहिनी परिसर में कमांडेंट प्रमोद देवरानी के नेतृत्व में जवानों और उनके परिवारों के द्वारा भजन कीर्तन और हवन यज्ञ कर हथियारों, वाहनों और अन्य उपकरणों की पूजा अर्चना कर धूमधाम से विश्वकर्मा दिवस मनाया गया। रविवार शाम को एसएसबी के जवानों ने गाजेबाजी के साथ नाचते गाते हुए भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति को चंपावत में बहने वाली गंडक नदी में विसर्जित किया। कमांडेंट प्रमोद देवरानी ने सभी क्षेत्रवासियों को विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि फौज में भी भगवान विश्वकर्मा पूजा को काफी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हम लोग पूरा एसएसबी के जो जवान हैं वो विश्वकर्मा पूजा का विसर्जन करने आए हैं और हम लोग पूरे शांति ढंग से पूरा विश्वकर्मा भगवान का विसर्जन किए हैं और पूरे सभी जवानों में हर्षोल्लास है और पूरा उमंग के साथ हम लोग विश्वकर्मा पूजा मनाए हैं और उसको विसर्जन किए हैं। विश्वकर्मा बाबा की जय। सर ये बताइए, ये हर साल आप मनाते हैं या? सर अभी तो हम फर्स्ट बार आए हैं, लेकिन इस बार जो है हमारे सेना नायक महोदय के द्वारा, एडवोकेट के द्वारा ये बहुत अच्छे तरीके से आयोजन किया गया और हम सभी जवानों ने इसमें बहुत अच्छा ढंग से पार्टिसिपेट किया और पूरे जोश से मनाया। धन्यवाद। पंचम वाहिनी सशस्त्र सीमा बल। ओके आपको।